फाइनली KGF चैप्टर 2 रिलीज हो गई है। ये मूवी तबाही लाई है या बर्बादी, एक मिनट में बकैती नहीं एनालिसिस बताएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत में लगता है कि KGF चैप्टर 2 KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड की लड़ाई है, पर ये उससे बढ़कर है। KGF चैप्टर 1 में वर्चस्व की लड़ाई थी, अपने आप को एस्टैब्लिश करने की लड़ाई थी, जबकि चैप्टर 2 में पॉलिटिकल एंगल को बहुत अच्छे से मिक्स किया है। जहां एक तरफ अधीरा सुपर विलन के रूप में निकल कर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ रवीना टंडन ने भी आग लगा दी है। देखिए शोले या DDLJ इसलिए फेमस नहीं है कि उनकी कहानी अच्छी थी, बल्कि उनका हर डायलॉग लोगों की जुबान पे था, जिसे आजकल मीम्स कहते हैं। KGF चैप्टर 2 की हर लाइन एक डायलॉग है। KGF चैप्टर 2 में अधीरा के रोल को काफी ग्लोरीफाई किया है, और इसीलिए रॉकी भैया का स्वैग अलग ही निकल कर आया है। रॉकी भैया का हर डायलॉग इतिहास बनाएगा और मूवी की एंडिंग आपको झटका दे देगी। डिटेलिंग के ऊपर बहुत जबरदस्त काम किया है। बैकग्राउंड में लोगों ने जो कपड़े पहने उसके कलर के ऊपर तक काम किया गया है। यूटोपियंस देता है इस मूवी को 4 स्टार और रिक्वेस्ट करता है आपसे कि आप इस मूवी को थिएटर में ही जाके देखें। बाकी आपको सुपर हीरो रॉकी भैया पसंद है या सुपर विलन अधीरा चाचा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।